नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। जिला मुख्यालय की मुख्य सड़कों में से एक सड़क अररिया कोट रेलवे स्टेशन को जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर सामाजिक संगठन सीमांचल युवा जागरण मोर्चा अररिया ने चरणबद्ध आंदोलन करते हुए मंगलवार को अररिया कोट रेलवे स्टेशन मार्ग पर शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम अररिया कोट रेलवे स्टेशन मार्ग पर कृषि विभाग कार्यालय के सामने 11 बजे से 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। मोर्चा ने पूर्व में भी सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सार्थक पहल नहीं होते देख मोर्चा ने रोषपूर्ण प्रदर्शन कर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया था। परंतु इसके बावजूद भी सड़क के निर्माण में प्रशासनिक स्तर की सार्थक पहल न होते देख मोर्चा ने एक दिवसीय धरना दिया। ज्ञात हो कि विगत 2012 में भी मोर्चा ने सड़क निर्माण को लेकर धरना दिया था। आज 10 साल बाद भी वही दिन दोहराया जा रहा है, जब उक्त सड़क के निर्माण के लिए मोर्चा को पुनः आंदोलन करना पड़ रहा है। आज के धरना कार्यक्रम में मोर्चा के उपाध्यक्ष अमित शाह, संयोजक शंकर ओझा, अविनाश कुमार, पप्पू शाह, शबनम झा, मुन्ना ओझा, नीरज झा, चंदेश्वर चौधरी, बुद्धन पासवान, छोटू चौधरी, रिंकू झा, गौरव कुमार, राजकुमार कपूर, चंद्र शाह, रामाशंकर सिंह, विवेक शाह, संजय कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता धरना में मौजूद थे। क्या मांग है? ये सड़क का जो मामला है ना, ये अररिया कोट रेलवे स्टेशन वाली सड़क है जो वर्षों से पूरा जर्जर स्थिति में है, और इस जर्जर स्थिति को दुरुस्त करवाने के लिए हमारी संगठन ने कई बार जिला पदाधिकारी को, संबंधित विभाग को लिखित रूप में भी आवेदन दिया कि जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, परंतु महीनों बीत गए, अभी तक कोई कारगर पहल नहीं हुआ। इसके लिए मोर्चा ने एक सप्ताह पूर्व भी जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया था, और मोर्चा का यह चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है। नाम बता दीजिए। गगन कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष, सीमांचल युवा जागरण मोर्चा अररिया।